नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुपर कोचिंग टीचिंग के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम लोकेश भारद्वाज। रोज दोपहर 1:30 बजे मेरी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होती है। आप सभी उसमें आते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आप सब लोगों का यह है कि सर इस बार कैसे प्रश्न आएंगे, काफी सारे छात्रों ने पूछा है। सीटेट 2022 में आने वाले जो प्रश्न है उसका कैसा प्रकार रहेगा, वो किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। अगर मैं अगले इन सब चीजों के लिए आपको 5 मिनट के वेट करने को बोलूं और बोलूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तो उसके रियल मायने यही होने चाहिए कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ऐसा करने से आपको कुछ हेल्प जरूर मिलेगी एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहली चीज, अपने छात्रों के साथ हमेशा से मैं रियलिस्टिक रहा हूं। जैसा जैसी जब जहां से जैसी इंफॉर्मेशन मेरे को लगी है मैंने अपने छात्रों को दी है, मैंने अपने दोस्तों को दी है। पहली चीज जो मेरे ख्याल से आप लोगों को महसूस करने को मिलेगी, इस क्वेश्चन विल बी लिटिल हार्डर। क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट होंगे इस बार। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? साथियों, जब कभी भी मैंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न देखा, क्योंकि पिछले 5-6 साल से ऑनलाइन एग्जामिनेशन अलग अलग डिपार्टमेंट के मैंने देखे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे SSC हो, चाहे वो लोकल स्टेट्स के एग्जामिनेशन हो, या फिर NTA ने कंडक्ट कराए विभिन्न एग्जामिनेशन, चाहे वो JEE मेंस का रहा हो, अलग अलग एग्जामिनेशन जो मैंने देखे हैं, उनमें एक छोटी सी चीज मैंने नोटिस की है कि जो ऑड नंबर के जो एग्जामिनेशन होते हैं और जो इवन नंबर के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। इवन वाले, ऑड वाले थोड़े से आसान होते हैं। आप कहोगे सर ऑड क्या है, इवन क्या है, समझिए। पहली बार था, पिछला वाला ऑड था, थोड़ा एग्जामिनेशन आसान आया। इस बार इवन है, दूसरी बार एग्जामिनेशन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। अगली बार, तीसरी बार जब एग्जामिनेशन होगा उससे भी अगला जो नोटिफिकेशन आएगा वो थोड़ा आसान आएगा। तो इसी तरीके से साथियों जो वेव है वो चलती रहती है, और इसी तरीके से जो CBSE है वो अपने इस लेवल को बनाए रखता है। अदरवाइज एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, कोई भी आकर बिना तैयारी किया हुआ छात्र भी आएगा, मुंह उठाकर आएगा और एग्जामिनेशन देगा और पास होकर निकल जाएगा, राइट। CBSE उसे कतई नहीं चाहती। CBSE चाहती है कि इस एग्जामिनेशन के लिए भी छात्र जो है वो तैयारी करें, इसके लिए भी हमें अच्छे खासे जो छात्र है वो हम पिक करें साथियों। तो क्वेश्चन पेपर विल बी लिटिल हार्डर, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा दिखेगा आपको। वो फर्क डालने के लिए दूसरा जो मेरा पॉइंट है, दैट इज क्वेश्चन विल बी लिटिल लेंदी। आपको लेंदी दिखेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लेंदी दिखेगी। जहां आप क्वेश्चन को करीब 17 सेकंड में सोल्व कर रहे थे, वहां आपको 18 से 19 सेकंड लग रहे होंगे, ठीक है। और जहां पर आपको पैडागोजी का क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, वहां थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा स्क्रीन पर। तो स्क्रीन की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है, क्वेश्चन को, मॉक टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा आप स्क्रीन से अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। मॉक पेपर तो सारे जितने भी लगा रहे हो, अगर लैपटॉप नहीं है, अगर कंप्यूटर नहीं है, बुरी से बुरी स्थिति है तो ही उसे पेन पेपर लेके लगाइएगा। मेरी जो आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट रहेगी वो ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आप कंप्यूटर पर लगाइए, टेक्स्ट बुक की बहुत सारे फ्री में मॉक टेस्ट होते हैं उन पर लगाइए, किसी भी तरीके से लगाइए, लेकिन लगाइए, बिकॉज क्वेश्चन पेपर लेंदी रहने वाला है आप लोगों के लिए। थोड़ा आपको लगेगा कि सर हमें समय की कमी पड़ी। जिनकी पहले से तैयारी है, जो छात्र पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं लगेगा, लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, राइट, जो बिल्कुल नए नए आए इस फील्ड में, उनको जरूर लग सकता है कि सर क्वेश्चन थोड़े लेंदी ज्यादा थे, टाइम ज्यादा लग रहा था। विल बी रिपीटिंग अगेन, जो CBSE का चला हुआ आ रहा है रिपीट होता रहेगा बॉस। EVS रिपीट होगी, बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट हो रहे होंगे, बहुत सारे CDP के क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे। तो प्रीवियस ईयर के पेपर के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आप लोगों की। यस, विल बी रिपीटिंग, बिल्कुल, मतलब 50% क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे आपको, 50% प्रीवियस ईयर के पेपर से। मैं इंट्रोड्यूस सम न्यू क्वेश्चंस। CBSE हर बार 20% क्वेश्चन नए लाता है, मेरा ऐसा मानना है कि इस बार करीब 25% क्वेश्चन पेपर के अंदर नए होंगे, लगभग 25%, मतलब 1/3 क्वेश्चंस लगभग नए होंगे, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हो सकता है जो आपने बुक्स में भी, अगर आपने अच्छे से NCERT नहीं पढ़ी, अगर आपने CDP की वो बेसिक बुक्स नहीं पढ़ी है,
जो NIVS देता है, जो DLED बेस्ड है, या फिर आपने अच्छे से किसी के कोर्सेज परचेज नहीं किए हैं, अपने कोर्सेज में कहीं इनरोल नहीं कराया, कहीं भी, राइट, आई एम नॉट सेइंग माइन, राइट, कहीं भी, या फिर आपने कहीं से ऑफलाइन कोचिंग नहीं लिया, ऑनलाइन कोचिंग नहीं लिए, तो उन छात्रों के लिए थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, बिकॉज उनको जो ये नए क्वेश्चंस है, राइट, देखो यार, जब आप पुराने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको किसी तरह की कोचिंग की नीड नहीं होती, क्योंकि आपने पुराने क्वेश्चंस देख लिए, आपने अटेम्प्ट कर दिए, राइट। लेकिन कोचिंग की जरूरत वहीं आती है बहुत, जो नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है ना, एक तो समय बचाने के लिए कोचिंग की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है, और जो नए क्वेश्चंस आते हैं ना, टीचर आपको पहले ही तैयार करके रखता है कि बेटा मेरे लाडलो मेरे मुन्नाओ, इस तरीके का नया क्वेश्चन आ सकता है। जैसे 2018 के पेपर जब आया था तो मैंने पहले ही बता दिया था कि SST और साइंस के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस तैयार कर लेना जो बुक में दिए गए हैं। तो घनत्व वाला क्वेश्चन आ गया, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी वाला क्वेश्चन आ गया 2018 में दिसंबर में, EVS की बात करूं तो इसमें ग्रेविटी से क्वेश्चन आ गया था जिसका जिक्र है, चांद और मून की ग्रेविटी का जिक्र है उसमें। एक क्वेश्चन काकते वंश से आ गया था साथियों, गोलकोंडा क्लास एक क्वेश्चन आ गया था, तो काफी हिस्ट्री और मतलब आउट ऑफ EVS पूछ लिया गया था, लेकिन मैंने अपने छात्रों को उस समय तैयार किया था, सो अभी भी तैयार करूंगा, नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट। बट हाँ, मे इंट्रोड्यूस सम न्यू क्वेश्चंस एंड वंस अगेन क्वेश्चंस विल बी पेडागोजी बेस्ड। क्वेश्चंस को लेंदी बनाने के लिए यू विल फील कि क्वेश्चंस को ज्यादा लंबा खींचा जा रहा है। रीना आमों को संरक्षित रखना चाहती है, वह 3 डब्बे उठाती है, इन 3 डब्बों में वो क्या डाले, अचार बनाए, आम पापड़ बनाए, चिक्की बनाए, व्हाटएवर जो बनाना बनाए, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन ये घुमाए। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था इनमें से आम संरक्षण के कौन से तरीके, लेकिन इस तरीके से नहीं, ही विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन, दे विल बी आस्किंग क्वेश्चन राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इवन एट कॉन्टेंट क्वेश्चन दे विल बी आस्किंग राउंड एंड राउंड, नो डायरेक्ट क्वेश्चन। प्लीज प्रिपेयर फॉर मैप बेस्ड क्वेश्चन, प्रिपेयर फॉर डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, बी प्रिपेयर फॉर सम काइंड ऑफ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ एग्जामिनेशन के लिए तैयार कराने में। CDP में फोकस कीजिए, आप थोड़ा डीप जाइए, ठीक है, सिर्फ थ्योरीज पर मत रह जाइए, थोड़ा सा थ्योरिटिकल भी जाने की जरूरत है, ठीक है, और बाकी के सभी विषयों की पेडागोजी के लिए बी प्रैक्टिकल, लेकिन CDP के लिए बी थ्योरिटिकल, राइट। थैंक यू सो मच फॉर बींग इन दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि यार मेरी वीडियोज इतनी सी भी आपकी लाइफ में वैल्यू एड करती हैं, then please hit the subscribe button, because यही है जो आपको पास करा सकता है। Thank you so much guys.